हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खरीत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे मैं वर्दी में आया हूँ, क्योंकि आज मैं स्कूल से भाई ने मुझे लिया है, भाई के गर्लफ्रेंड ने। तो अभी हम पेट्रोल डलवाने लगे हैं, अब फिर मुझे अकेडमी छोड़ेंगे और भाई चले जाएंगे भाई श्याम के पास, क्योंकि उसका आखिरी लास्ट पेपर है। तो आज आपको दिखाएंगे इनके रिएक्शन के, लास्ट पेपर वाले दिन वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं क्या करते हैं। तो अभी चले हम पेट्रोल डलवा लें, फिर आपसे मिलते हैं। नया पेट्रोल महंगा हुआ है, तो अभी हमारी टैंकी फुल एंड पे है, तो फुल करवाने लगे हैं, देखते हैं कितने में कितने पैसों में होती है। ये देखें जी, अभी हम डलवा रहे हैं पेट्रोल, ये फुल एंड पे हुई बड़ी थी, अभी थोड़ी सी ऊपर हुई है, फुल एंड पे थी। मुश्किल मुश्किल से 6,000 का डलेगा, शायद डल जाए 6,000 का, नहीं हो नहीं डलना। बस एक लंबी आधी हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता जाती है। तो गाइस कैसे हैं आप? आज हुआ ये है कि हम माइक भी घर भूल गए हैं और दूसरा फोन भी नहीं लेके आए, क्योंकि ये मेरा फोन है नोट 10, इसको माइक नहीं लगता है। तो आज डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत शोर होगा फिर उसको बियर कर लीजिएगा। माइक के बिना इसमें थोड़ा शोर आएगा व्लॉग में, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि व्लॉग को थोड़ा हम इंटरेस्टिंग रखें आपके लिए, और आपको बताएं, आपको दिखाएं कि आज बच्चे का लास्ट पेपर है शाम का, वो क्या रिएक्शन देता है। काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि मेरा लास्ट पेपर हो गया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लास्ट पेपर के बाद हम व्लॉगिंग को रेगुलर करने वाले हैं उसके, तो आज एक तो हम उसका रिएक्शन भी देखेंगे कि वो क्या करता है आके, और कैसा रिएक्शन देता है, कितना खुश होता है लास्ट पेपर पे जैसे आप खुश होते हैं। और दूसरा हम आज बैठ के रूटीन बनाएंगे कि हमने डेली व्लॉगिंग को कैसे साथ लेकर चलना है, और हमने कैसे कैसे इसको आपको एंटरटेन करना है, और क्या क्या हमने आगे करनी है चीज़ें। गाइस ये मैं शाम के इस पेपर सेंटर में आ गया हूँ जहाँ उसका आज लास्ट पेपर है। आज मैं उसके एक्सप्रेशन नोट करना चाहता हूँ कि जब 10th के लास्ट पेपर ख़त्म होता है तो आपका एक्सप्रेशन क्या होता है। हमारा जब ख़त्म हुआ था तो हम बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे कि आगे नया करियर शुरू करने वाले, कॉलेज में जाने वाले, कॉलेज में मस्तियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, नई चीज़ें होंगी, नए लोगों से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि स्कूल से जान छुट्टी, अब काफ़ी दिन फ्री रहेंगे और छुट्टियाँ छुट्टियाँ होंगी, और आगे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग्स होंगी, ये बहुत सारी चीज़ें हम माइंड में लेके लास्ट पेपर दे के निकले थे। तो मैं शाम से शाम के चेहरे पे ये देखना चाहता हूँ सर। ये देखिए कुछ लोग निकलने शुरू हो गए हैं और पेरेंट्स भी यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। तो ये कोई 5 मिनट लेट ही आता है, ये जब आएगा तो फिर मिलते हैं। ये रश बढ़ गया अचानक से, और अब काफ़ी सारे लोग निकलने शुरू हो गए हैं, पता नहीं कहाँ पे रह गया ये। हेलो गाइस, ये दोनों आ चुके हैं, उसको भी अकेडमी से ले लिया और इसको भी पेपर से ले लिया, ख़त्म पेपर, टाटा बाय 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 फिनिश स्कूल। हाँ भाई, मैं कह रहा था कि मैं आज शाम के एक्सप्रेशन देखूंगा कैसे हैं, लेकिन जब से ये आया मैंने इससे पूछा ही नहीं है कुछ भी। मैंने कहा मोहतशम को एकेडमी से लूँगा फिर पूछूंगा। हाँ भाई, मज़ा स्कूल हो गया, बस पेपर खत्म, घर जाके क्या करो, सोना है और कोई एक्टिविटी नहीं, खेलने कूदेंगे और क्या करना। व्लॉगिंग को रेगुलर नहीं करना? करेंगे वो भी। क्या सोचा इस बारे में? रोज करेंगे और एडिट करके डाल दिया सही टाइम। आगे क्या सोचा फ्यूचर में? कंप्यूटर में ही जाओगे? अच्छा ठीक है भाई, चलें फिर घर। चलो ठीक है गाइस, घर जाके मिलते हैं।